कल ही हमने पढ़ा था कि स्टार्स के बारे में हमने देखा था कि क्या कैलकुलेशंस बताती हैं कि जिंदगी एग्जिस्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस हैं जो कि बहुत जरूरी हैं, ठीक है। और वो कंडीशंस के अंदर सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो कौन सी थी? टेम्परेचर, ठीक है। टेम्परेचर अगर ठीक होगा, एक सुटेबल टेम्परेचर होना चाहिए, और वो टेम्परेचर कैसा होगा? एट विच सब्सटेंसेज कैन एग्जिस्ट इन अ लिक्विड स्टेट, यानी कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी लिक्विड जो है, वो अपने लिक्विड स्टेट के अंदर मौजूद रह सकता है, ठीक है। ऐसा ना हो कि एक जो चीज़ है, मटेरियल है, कोई लिक्विड है, और आप देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हीट की वजह से ड्रेन आउट हो गया या वेपोराइज हो गया, ठीक है। जिस तरह पानी है, अगर आप पानी जो कि आपको पता है कि ज़िंदगी के लिए बहुत असेंशियल है, अगर सिर्फ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाए तो सारा पानी हवा में उड़ जाएगा, तो इंसान जिंदा कैसे रहेंगे, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अगर चीज़ें जो है वो पिघलना शुरू हो जाए, जो हमारे पास मेटल है, तो सारी ज़िंदगी हमारी जो है ना बिल्कुल दरहम बरहम हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर चीज़ें बहुत ठंडी हो जाएंगी तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे ये नुकसान होगा कि सारा कुछ फ्रीज आउट हो जाएगा, ठीक है। और जब फ्रीज आउट होगा तो आपको पता है आपकी घड़ियाँ वगैरह और ये सारे वाईफाई वगैरह सब कुछ बंद हो जाता है, ठीक है। एक फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, अगर ये अलास्का और ये अंटार्कटिका वगैरह जो एरियाज हैं, इनके पास तो बड़ा स्पेशल इक्विपमेंट होता है, ये आम चीज़ें वहाँ पे जाके चल नहीं सकती, ठीक है। अगर आप अपनी घड़ी लेके जा रहे हो, आप फ्रीज हो जाएगी जाके, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर ही बहुत लो होता है उधर। अच्छा, तो अब वो कहता है कि अगर आपने ज़िंदगी एग्जिस्ट करनी है, ज़िंदगी होनी चाहिए, अगर अगर आप कहते हैं कि ज़िंदगी हो स्पेस में किसी जगह पे, तो उसके लिए सुटेबल फिजिकल कंडीशंस होना बहुत ज़रूरी है। और ऐसी फिजिकल कंडीशंस, ऐसे सिस्टम्स पूरी खला के अंदर, पूरी स्पेस और यूनिवर्स के अंदर बहुत रेयर है। अब वो आगे बताने लगा है कि इसको ज़रा एलेबोरेट कर रहा है, इसी पॉइंट को एलेबोरेट कर रहा है। एलेबोरेट का मतलब होता है एक्सप्लेन करना। द स्टार्स देमसेल्व्स आर फार टू हॉट फॉर दिस, कहता है कि सितारे जो हैं, जो हम अगर प्लानिटरी सिस्टम के सितारे ले लें या दूसरे सितारे ले लें, तो वो बहुत शदीद गर्म है, ठीक है। अब वो गर्म क्यों है? नो वन नोज कि क्यों गर्म है, ठीक है, क्योंकि उनके जो ज़मीन है, ज़मीन तो इतनी गर्म नहीं है, ठीक है। और ज़मीन अगर इतनी शदीद गर्म होती है, और पता है आपको कि ज़मीन के अंदर भी मैग्मा होता है, जो वॉलकैनोज की वजह से, जब वॉलकैनोज फटते हैं तो फिर मैग्मा जो है बाहर निकलता है, ठीक है, और उसी की वजह से वॉलकैनोज बन रहे होते हैं। तो ज़मीन के अंदर एक जैसे आग लगी हुई है, ठीक है, लेकिन वो बहुत डीप डाउन है, तो कभी कभी वो मैग्मा निकलता है, लावा आपने देखा होगा जिसमें, ठीक है, जिसे लावा कहते हैं हम अपनी जुबान में। अच्छा, तो कहता है कि सितारे जो हैं वो बहुत गर्म है, ज़िंदगी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर सकती। वी मे थिंक ऑफ देम एज कलेक्शन ऑफ फायर्स स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, कहता है कि हम समझ सकते हैं कि जिंदगियां जो हैं, ये जो हमारी स्टार्स हैं, इन सब के ऊपर ज़िंदगी का तस्वुर कैसे पॉसिबल है, जबकि ये खुद ऐसे हैं जिस तरह के आग के गोले भरे हुए हैं, ठीक है। वी मे थिंक ऑफ देम एज कलेक्शन ऑफ स्कैटर्ड ऑफ फायर्स स्कैटर्ड थ्रू स्पेस, खला के अंदर आग फैली हुई है जैसे, ठीक है, यानी कि बिग बर्निंग बॉल्स ऑफ फायर हैं वो, ठीक है। जिस तरह सूरज है, सूरज तो खैर ज़्यादा गर्म है, ये ज़रा उससे कम होंगे। प्रोवाइडिंग वार्म्थ इन सराउंडिंग्स वेयर द टेम्परेचर इज एट मोस्ट 4 डिग्रीज अबव एब्सोल्यूट जीरो, दैट इज अबाउट 484 डिग्रीज फ्रॉस्ट ऑन द फॉरेनहाइट स्केल। अब वो कहता है कि ये अपने इर्द गिर्द जो हैं, ये सितारे जो हैं वो इतने गर्म हैं कि उनके इर्द गिर्द जो है वो टेम्परेचर जो वार्म्थ है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, अपने करीब करीब प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद क्या होता है जी? 484 डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट एट ऑन द फॉरेनहाइट स्केल, यानी कि फॉरेनहाइट स्केल पे अगर आप देखें तो इतनी ज़्यादा शदीद ठंड है, इतनी शदीद ठंड है कि कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती, और उनके ऊपर भी नहीं कर सकती, ठीक है। तो एक अब प्रॉब्लमेटिक आ गया हमारे सामने, ठीक है, कि प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्या है कि सितारे जो हैं वो खुद बहुत गर्म है और उनके बाहर जो है बहुत शदीद ठंड है। इन द इमेंस स्ट्रेचेज ऑफ स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे, मिल्की वे हम कहते हैं कहकशां को, तो कहकशां यानी कि जिस कहकशां का हम हिस्सा हैं, इसके इमेंस स्ट्रेचेस, बहुत बड़े बड़े जो इसके फासले हैं उनके अंदर, और इस मिल्की वे से आगे, यानी कि ये तो अपनी मिल्की वे का बताया ना उसने, जो अपनी कहकशां का, इसके अलावा जो कहकशाएं हैं
इट इज कोल्डर स्टिल, उधर इससे भी ज्यादा ठंड है। ठीक है, अभी देखें आप इंटरेस्टिंग बात कि इंसान अपनी कहकशां से बाहर नहीं निकल सके। ये जो दौड़े लगा रहे हैं ना स्पेस वाले और ये स्पेस एक्स जो उन्होंने भेजा था, ये सारा कुछ जो हो रहा है अभी तक अपनी कहकशां से बाहर नहीं निकल सके। ठीक है, और जो इन्होंने वैसे सितारों की तस्वीरें तस्वीरें लेते हैं वो अपनी कहकशां के अंदर ही गुम हुए हुए हैं। ठीक है, और आपको पता है एक दिन हमने वैसे भी क्लास में पहले भी डिस्कस किया था ब्लैक होल्स के बारे में। ठीक है, ये जो किस क्या नाम था उसका साइंटिस्ट का, स्टीफन हॉकिंस। तो स्टीफन हॉकिंस की जब डेथ थी उस दिन हमने ये डिस्कस किया था कि ब्लैक होल्स के ऊपर वो बड़ी रिसर्च कर रहा था। ठीक है, तो ब्लैक होल्स क्या है अभी तक साइंस को ये नहीं पता लगा, ये जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो अभी तक ये फाइंड आउट नहीं कर सके ब्लैक होल से बाहर हम, और उनका ये ख्याल है कि ब्लैक होल से बाहर निकलेंगे तो फिर हम किसी अगली जो गलेक्सी है या मिल्की वे है शायद उसके अंदर जा सकें। ठीक है, तो बहरहाल ये सारे अंदाजे ही हैं अभी अभी कैलकुलेशंस जो हैं वो हमें ये बताती हैं बस कि हमारी मिल्की वे से हम बाहर नहीं निकल सके अपनी मिल्की वे से। ठीक है जी, और अगर निकलेंगे तो शदीद ठंड होगी। अवे फ्रॉम द फायर्स देयर इज दिस अनइमेजिनेबल कोल्ड ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, हंड्रेड्स ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रॉस्ट, यानी कि -1-2 नहीं है, -100 degree फ्रॉस्ट। ठीक है, जिस तरह टेम्परेचर अगर भड़ा होता है तो 200 टेम्परेचर, 400-500 टेम्परेचर हुआ हो तो क्या हालात होंगे। ठीक है, इसी तरह माइनस में यही 500-600-700 माइनस हो, कोई 700 माइनस टेम्परेचर कभी इमेजिन भी कर सकता है कोई? ठीक है, कि वहां पे कैसे कोई जिंदगी गुजारेगा। क्लोज अप टू देम देयर इज अ टेम्परेचर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? सर अभी आई है। अच्छा, वो दरमियान में हो गया था तो मैंने सारा जो है ना वो बंद हो गया था, इंटरनेट के इश्यूज आपको पता है कि फिर होते हैं तो जिसकी वजह से ये हाँ जी मैंने कहा मौसम खराब है ना इस वजह से भी हो जाए। हाँ जी, अच्छा तो यहाँ तक हम पढ़ रहे थे कि ज़मीन के ये जो हमारी मिल्की वे है इसके बाहर जो सितारे हैं वो कैसे हैं, या तो बहुत शदीद ठंडे हैं या बहुत शदीद गर्म है। अच्छा जी, तो कहते हैं कि अगर मैं ये मिसाल देने लगा था कि जहाँ पे हमारा सारा डिस्कनेक्ट हुआ कि जहाँ पे टेम्परेचर की जो डिग्रीज हैं वो 1000 degrees हैं हीट की, उधर क्या होगा आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि जिस तरह फर्नेस होती है। ठीक है, फर्नेस क्या होती है, जो आग की भट्टी जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर लोहा वगैरह पिघलाया जाता है, तो उसके अंदर जो टेम्परेचर होता है कोई इंसान इमेजिन कर सकता है उसके अंदर जाने का, अंदर जाने का क्या, उसको हाथ लगाने का ही अंदर से। ठीक है, कोई इमेजिन नहीं कर, क्योंकि उसे तकरीबन 4000 degrees जो टेम्परेचर जो है ना वो होता है। ठीक है, तो ये कई 1000 degrees जब टेम्परेचर होगा तो फिर उसका क्या नतीजा निकल सकता है आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, और इस पर क्या होता है, एट विच ऑल लिक्विड्स मेल्ट All solids melt, all liquids boil. और ये ऐसा टेम्परेचर है जिसपे सारे लिक्विड जो हैं वो बॉयल होके वेपोरेट हो जाएंगे और जितनी मटेरियल वाली चीज़ें हैं वो सारी पिघल के ज़मीन पे तबाह बर्बाद हो जाएंगी। अब लास्ट पैसेज पे हम आ गए। लाइफ कैन एग्जिस्ट ओनली इन अ नैरो बेल्ट सराउंडिंग ईच ऑफ दीज फायर्स एट अ सर्टेन डिस्टेंस वेयर द टेम्परेचर इज नीदर टू हॉट Not too cold. और कहते हैं कि ये जिंदगी जिस तरह की जिंदगी हम यहाँ पे एक्सपीरियंस करते हैं जमीन पे, ऐसी जिंदगी सिर्फ कहाँ पे मौजूद हो सकती है, किसी नैरो सी बेल्ट पे, बड़ी ही बारीक पट्टी हो, एक एक रिंग हो बारीक सा जिसके ऊपर ये एग्जिस्ट कर सकती है। ठीक है, और वो पट्टी कहाँ पे हो, वो इन सितारों से इतने डिस्टेंस पे हो जहाँ पे ना टेम्परेचर बहुत ठंडा और ना गर्म हो। ठीक है, अब देखें ना सितारा गर्म है शदीद, बाहर स्पेस जो है वो ठंडी है शदीद किस्म की। ठीक है,
अब ये दोनों जहाँ पे मिलते जाएंगे, एक ऐसा पॉइंट आए जहाँ पे टेम्परेचर्स जो हैं वो नॉर्मल हो जाए, ठीक है, यानी कि टेम्परेचर जो हीट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, ठंड की तरफ जा रही है ना, तो जहाँ पे जाके वो टेम्परेचर नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए जिधर ज़िंदगी जो है वो हम गुजार सकें, ठीक है, जिस तरह हमारा रूम टेम्परेचर होता है, ठीक है, रूम टेम्परेचर कितना होता है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हमें रिक्वायर्ड है, और यहाँ पे सितारे के करीब कितनी गर्मी है, हज़ारों डिग्री, और बाहर जो है वो कितनी ठंड है, तो अब अगर आप देखें कि इस ये जो बेल्ट है, ठीक है, ये सितारे के सितारों के आसपास या कहीं पर जहाँ भी ये बेल्ट है, अब इधर ज़िंदगी सिर्फ पॉसिबल है, ठीक है, अब उसके अलावा ज़िंदगी यहाँ पॉसिबल होने की अभी सिर्फ टेम्परेचर की नीड हमने पूरी कर रहे हैं, ठीक है, अंदाज़ा लगा रहे हैं कि टेम्परेचर इस तरह अगर हो, ठीक है, अभी उधर और भी बड़ी चीज़ें चाहिए, ठीक है, आपको पता है कि गैसेज कितनी ज़रूरी हैं हमारे लिए, ठीक है, जो हम उसके अलावा आपको ये भी पता है कि हमारे लिए ये जो प्लांट्स हैं ये कितने ज़रूरी हैं, और भी जानवर और बाकी सब कुछ जो है ना, पानी तो साथ है ही है, ठीक है जी। आगे कहता है जी, आउटसाइड दीज बेल्ट्स लाइफ वुड बी फ्रोजन, इनसाइड इट कुड बी बर्न्ट अप, इट वुड बी बर्न्ट अप, कहता है कि जी क्या होगा अगर आप ये जो नैरो बेल्ट्स हैं, ये जो उसने हमें ज़रा सा एक एरिया बताया है जिसके अंदर टेम्परेचर जिसके ना बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी है ना बहुत शदीद ठंड है, तो वो जो नैरो बेल्ट एक बनती है, मीडियम सा एक बनता है, इसके बाहर अगर ज़िंदगी आएगी तो फ्रीज होकर मर जाएगी, और इससे नीचे जाएगी तो गर्मी से मर जाएगी। A rough calculation shows that all such temperature belts within which life is possible, all added together, make up less than 1,000 millionth part of the whole of the space. एक स्पेस का 1,000 million से भी छोटा हिस्सा, ठीक है, अगर इन सारी आप कैलकुलेट करें इन सारी स्पेसेस को, इन सारे एरियाज को जहाँ पे लाइफ पॉसिबल हो सकती है, उनको अगर कैलकुलेट किया जाए और बड़ा जनरस अंदाज़ा भी लगाया जाए, तो फिर भी पूरी कायनात का वो क्या वो करोड़वां और खरबवां अरबवां हिस्सा, पता नहीं ये इसने जो लिखा है 1,000 million millionth पार्ट, इसकी कैलकुलेशन क्या होगी इसका, मुझे नहीं पता इसकी कितनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन ये जाएगी, तो बहरहाल ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ज़मीन का सॉरी खला का बहुत थोड़ा हिस्सा है जहाँ पे इस तरह की ज़िंदगी एग्जिस्ट करती है। एंड इवन इनसाइड देम लाइफ मस्ट बी वेरी रेयर फॉर इट इज़ एक्सट्रीमली अनयूजुअल फॉर सन्स टू थ्रो ऑफ प्लैनेट्स एज आवर सन हैज़ डन, कहते हैं कि और अगर ज़िंदगी उनके दरमियान भी एग्जिस्ट करती हो तो फिर भी ज़िंदगी जो है ना बहुत रेयर होगी, यानी कि ऐसी बेल्ट्स अगर मिल भी जाएँ फिर भी ज़िंदगी बहुत रेयर होगी, क्योंकि ये जो इवेंट हुआ था कि एक सूरज ने अपने टुकड़े फेंक दिए और जो प्लैनेट्स बन गए उसके लिए रिवॉल्व होने लग पड़े, तो ये रेयर इवेंट तो हर सिस्टम में तो नहीं होगा, यानी कि इस मिल्की वे के अलावा अगर किसी और मिल्की वे के अंदर भी आएगा तो पॉसिबल नहीं है ये सब कुछ, ठीक। अच्छा जी आगे कहता है लास्ट लाइन, प्रोबेबली ओनली वन स्टार इन 100,000 हैज अ प्लैनेट गोइंग अराउंड इट एट द राइट डिस्टेंस फॉर लाइफ टू बी पॉसिबल ऑन इट, यानी कि 1,00,000 में से एक इवेंट ऐसा है, 1,00,000 में से एक सितारा ऐसा है जिसके पास इतनी सुटेबल टेम्परेचर है जिधर से वो ज़िंदगी को यानी कि ज़िंदगी की नमूदो नुमाइश शुरू हो सकती है, ठीक है, नमू शुरू हो सकती है, नमूदो नुमाइश नहीं नमू शुरू हो सकती है, ठीक है, नमू कहते हैं एग्जिस्टेंस को बढ़ना, ग्रेजुअली उसका इंक्रीज होना, तो ज़िंदगी के लिए ये बहुत रेयर है, ये जो सारे सुटेबल कंडीशंस हैं बहुत रेयर है पूरी कायनात के अंदर, ठीक है। अब ये पूरे लेसन का जो हम एक बार रिव्यू करते हैं अगर, तो मैं आपको 2-3 पॉइंट्स के अंदर ये बता देता हूँ कि रिव्यू क्या है इस लेसन का। पहली बात उसने हमें क्या बताई है कि हमारी जो ज़मीन है वो बहुत छोटी है एज़ कम्पेयर टू द स्पेस, ठीक, स्पेस से अगर आप मुकाबला करते हैं तो हमारी ज़मीन बहुत छोटी है। नंबर टू, सितारे जो हैं वो किस तरह सफ़र कर रहे हैं, लोनलीनेस में, तन्हा हैं, ठीक है, और एक सितारा दूसरे सितारे से बहुत शदीद किस्म का दूर है और इतना दूर है कि कभी पॉसिबल ही नहीं है कि वो किसी के करीब आ सके, ठीक है। और मिसाल क्या दी थी उसने, लाइक अ सिंगल शेप ऑन एन एम्प्टी ओशन, ठीक है, पूरा सारा समुंदर खाली है और उसमें सिर्फ एक सितारा है, ठीक है। फिर उसने क्या मिसाल दी, ज़मीन के छोटे होने की मिसाल उसने क्या दी कि अगर आप ये कहें सितारे कितने ज़्यादा हैं, इतने हैं जितने के साहिल समुंदरों की रेत
जितनी भी जमीन पे साहिल समुंदर है उन सब की रेत के जर्रात के मुताबिक जितने उनकी तादाद के अंदर सितारे मौजूद हैं, ठीक है। और उन सितारों के अंदर से हमारी जमीन जो है वो कितना है, उसका बहुत ही हजारवां हिस्सा है या लाखवां हिस्सा है, ठीक है। ये बात होगी। फिर उसने बताया कि प्लैनेटरी सिस्टम जो है वो क्रिएट किस तरह हुआ, ठीक है। और वो क्या हुआ था कि एक रेयर इवेंट हुआ कि एक सूरज एक सितारा अपना ट्रैवल करता करता सूरज के करीब आया, सूरज के करीब आके उसने सूरज के ऊपर एक टाइडल पुल क्रिएट किया और टाइडल पुल क्रिएट होने से एक माउंटेन बन गई और जैसे जैसे वो सितारा दूर जाने लगा वो माउंटेन ब्रेकअप हुई और सितारे अब वो सियारे जो हैं वो उसके इर्द गिर्द घूमने शुरू हो गए, ठीक है। फिर वो कहता है जिंदगी शुरू कैसे हुई, ठीक है, ये फोर्थ पॉइंट है मेरा ख्याल है। जिंदगी कैसे शुरू हुई, जिंदगी सिंपल ऑर्गेनिज्म से शुरू हुई जिसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी आप कहते हैं, ठीक है। सिंपल ऑर्गेनिजम्स क्या करते थे, वो सिर्फ अपने आप को रिप्रोड्यूस करते थे और मर जाया करते थे, ठीक है। और उसके बाद जिंदगी की एक ऐसी स्ट्रीम शुरू हुई और वो स्ट्रीम क्या थी कि इंसान पैदा हो गया, ठीक है। और इंसान कैसा है, जिसके जो उसने बताया भी था हमें कि इंसान किससे ड्राइव हो रहा होता है, वो अपने इमोशंस अपने जज्बात और अपने एम्बिशंस के ऊपर सारा उसका फोकस होता है, ठीक है। तो इतनी कॉम्प्लेक्स जिंदगी क्रिएट हुई है और ये कैसे क्रिएट हुई, ये सब कुछ कैसे पॉसिबल हुआ, ये उनको साइंटिस्ट को बिल्कुल अंदाजा नहीं है, ठीक है। ये किस तरह सारी जिंदगी पैदा हुई है, किस तरह ये सारा प्रोसेस शुरू हुआ है, साइंसदान इसके बारे में कुछ नहीं जानते, ठीक है जी। उन्होंने हमें ये बता दिया। अच्छा, इसके बाद जो अगली चीज है वो अगर आप देखें तो अगला जो पॉइंट है वो उसने बताया कि जिंदगी जो है वो कितनी बेल्ट्स के ऊपर एग्जिस्ट करे या कितनी जगहों पे एग्जिस्ट कर सकती है, ठीक है। तो उसने बताया कि जिंदगी सिर्फ तब एग्जिस्ट कर सकती है जब सूटेबल टेम्परेचर आपके पास हो, ठीक है। सूटेबल टेम्परेचर नहीं होगा तो जिंदगी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ठीक है। जब तक सूटेबल टेम्परेचर नहीं होगा तब तक लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। और सूटेबल टेम्परेचर एक सिर्फ एक कंडीशन है, इसके अलावा और भी कंडीशंस हैं। और भी कंडीशंस के अंदर क्या चीज़ें हैं जो हमने बात की थी कि पानी भी ज़रूरी है, प्लांट्स भी ज़रूरी हैं, दूसरे एनिमल्स वगैरह ये सब कुछ ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन टेम्परेचर इसकी प्राइमरी शर्त है। फिर उसने अगली बात जो हमने आज पढ़ा है और इसके अंदर उसने क्या बताया है कि ज़िंदगी सिर्फ वहाँ पर एग्जिस्ट करेगी जहाँ पर टेम्परेचर ऐसा हो जिधर सारी चीज़ें नॉर्मल हालात में रह सकती हों, यानी कि ना लिक्विड्स बॉयल हों और ना जो सॉलिड्स हैं वो मेल्ट अप हों, ठीक है जी, ऐसी जगह होनी चाहिए और ना फ्रीज आउट हों। तो ऐसी जो बेल्ट है जिसके अंदर ज़िंदगी एग्जिस्ट कर सकती है वो पूरी कायनात और पूरे जो स्पेस जितना ये जानते हैं उसके अंदर बहुत कम है, ठीक है। और कितनी कम है कि 1,000 मिलियन मिलियंथ पार्ट ऑफ द होल स्पेस, 1,000 मिलियन मिलियन हिस्सा जो है ना वो एक है, यानी कि बहुत ही रेयर है, ठीक है। आप अंदाजा लगा सकते हैं मिलियन मिलियन चांसेस जिस तरह बना रहा है ये, ठीक है, अंदाजा ही लगा सकते हैं। आगे वो कहता है और जो लास्ट लाइन इसकी थी वो उसने हमें एक सीधी सी बात कर दिया कि आप ये समझ लें, सिर्फ ये समझ लें कि 1,00,000 में से एक सितारा ऐसा होता है जिसके अंदर जिंदगी हो सकती हो, पॉसिबल हो, ठीक है। लेकिन ये क्यों नहीं होता, वो इसलिए कि सूरज जो है वो अपने पीसीज थ्रो ऑफ नहीं करते, ठीक है। अगर सूरज अपने पीसीज थ्रो ऑफ करेंगे तो फिर ही सूरज के गिर्द सितारे घूमना शुरू करेंगे और फिर ही वो एक सूटेबल डिस्टेंस पे आएंगे जहाँ पे सारा कुछ एग्जिस्ट कर रहा हो और फिर जनरल लाइफ पैदा हो, ठीक है। ये जी सारा हमारा लेसन था और इसके बारे में जो अब आपके क्वेश्चंस